स्वतंत्रता दिवस पर कराहल के निजी विद्यालयों में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम, अमर शहीद को किया गया नमन। खबर कराहल से है, जहां आज 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बच्चों ने नगर में झंडा रैली निकाली। 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य पर कराहल स्थित मदर्स प्राइड, न्यू ब्राइट सरस्वती शिशु मंदिर और न्यूरॉन्स इंटरनेशनल स्कूल में सुबह 8 बजे झंडा वंदन और राष्ट्रगान के बाद कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने देशभक्ति के गानों पर बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी। बच्चे सज धज कर हाथों में तिरंगा लिए बड़े ही जोश के साथ भारत माँ के जयकारे लगा रहे थे। सभी बच्चों ने देश की शान तिरंगे के प्रति सम्मान और गौरव साफ देखा जा रहा है। भारी बारिश के बीच भी स्कूली बच्चों और कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का उत्साह कम नहीं हो रहा था। अपनी प्रस्तुति के माध्यम से इन बच्चों द्वारा वीर अमर शहीदों की शहादत को नमन किया गया। कई किस्से, भाषण और नाटकीय माध्यम से दिखाया गया कि कैसे उन वीरों ने देश की को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इसी के साथ प्रस्तुति के माध्यम से बहनों के एक समूह ने जैविक खेती करने के फायदे और केमिकल द्वारा की जा रही खेती के दुष्प्रभाव सभी को बताए कि आज रसायन का प्रयोग कर हम अपनी भूमि को बंजर कर रहे हैं। वही बहनों के एक समूह ने नन्ही सी चुड़िया प्रस्तुति के माध्यम से समाज को संदेश देते हुए बताया कि बच्चियों को भी पढ़ाई लिखाई के हक अधिकार से वंचित न रखा जाए, उनको भी समाज में बराबर का स्थान दे, क्योंकि बेटियों से ही घर में आंगन की रौनक है। वह तो घर की चुड़िया है जो एक दिन उड़ जानी है। मंच संचालक ने भी मंच से देश के उन तमाम अमर शहीदों को याद किया और उनकी कुर्बानी के किस्से सभी के सामने रखे कि कैसे वो वतन के दीवाने हंसते हंसते मां भारती की आजादी की लड़ाई में फांसी पर झूल गए थे। आज जो हम आजाद भारत में सांसें ले रहे हैं, उन्हीं वीर सपूतों की कुर्बानी की देन है। साथ ही ये भी कहा कि हम सतरंगे को अपने दिल में रखें और देश के प्रति प्रत्येक नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है कि वह राष्ट्र हित में अपना सहयोग प्रदान करे, जिससे हमारा देश विकास पथ पर और अधिक गति से आगे बढ़ सके। इस तरह के आदि अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के दौरान सभी को प्रसाद के रूप में बूंदी बांटी गई और स्कूल स्टाफ ने सभी नागरिकों का इस राष्ट्रीय आयोजन में पधारने का धन्यवाद प्रेषित किया। देखिए कराहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लगता है कि मैं थक रही सभी अभिभावक से अनुरोध करना चाहती हूँ, सर्दी मार इतनी ही है, थोड़ा ध्यान से सुनना। बहुत अच्छा है इस्तेमाल किए गए रसायन अपने जीवन में भी एवं रासायनिक खाद से पानी और हवा में जहर घुल रहा है और मैं थक रही हूँ। खेतों में इनके छिड़काव से मेरी मिट्टी वैसे ही जलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। मेरे बच्चों को तो मेरे दुख का अंदाजा भी नहीं। मेरी